फ्रेंड्स, आज 10th क्लास की जो कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे सैटरडे को, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? तो आपको मैं बता दूं कि संदूक जो होता है वो एक घनाभाकार आकृति का होता है, ठीक है, घनाभ जैसा, घनाभ मानेंगे संदूक को। और दूसरी पहचान आपको दूसरी पहचान ये होगी कि आपके पास माप दिया हुआ होगा 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ये माप जो है अलग अलग दिया हो, क्योंकि भुजा जो है घनाभ की वो अलग अलग होती है, ठीक है, और घन जो होगा उसकी भुजाएं क्या होंगी, सबकी बराबर। तो एक पहचान सबसे बड़ी ये है घनाभ की, कि इसमें सबकी जो भुजाएं हैं वो अलग अलग होगी और घन की भुजाएं एक समान होगी, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, संदूक की इसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे संदूक की लंबाई, ठीक है। संदूक की लंबाई हमारे पास कितनी है, 50 सेंटीमीटर। फिर इसकी चौड़ाई दे रखी है 36 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, ठीक है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी है। तो हमें क्या करना होगा, संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो लिखेंगे संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे, 2 × लंबाई क्या है इसकी, 50 × 36 प्लस 36 × 25 प्लस 25 × 50, और ये आएगा आपके पास सेमी स्क्वायर में, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों में मल्टीप्लाई होगा फिर जुड़ रहे हैं ये, इसका मतलब सेमी स्क्वायर में आंसर आएगा। यूनिट आपको लगानी बिल्कुल नहीं भूलनी है। 2 × 50 और 36 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 को 36 से करेंगे 180 और 01 आ जाएगी, प्लस उसके बाद करेंगे 25 को 36 से करेंगे तो इसका आंसर आएगा 900, और प्लस में 25 को 50 से करेंगे तो 125 और इसकी 0। ये सेमी स्क्वायर आपके पास आएगा। उसके बाद देखिए आप इन सब को जोड़ोगे, ठीक है, तो ये आप जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 3950। और इसको अब मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ, आपको ये सेमी स्क्वायर साथ लेके चलना है, इसको इससे करोगे तो 0, 5 को 2 से 10, 9 को 18 और 1 19, और 3 6 और 1 हासिल वाला क्या होगा 7, ये आपके पास आंसर आएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 करोगे, थर्ड करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सेमी स्क्वायर है, यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घन दे रखा है आपके पास और मैंने बताया कि घन की सभी भुजाएं क्या होंगी, एक ही समान होंगी, यानी कि सबकी भुजाओं का जो माप होगा वो 100 सेंटीमीटर होगा। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, घन बनाएंगे, ठीक है, ये आपके पास एक घन है, ठीक है। अब इस घन को ये कह रहा है कि इसके यदि इसके समतल समांतर काट दिया, आधार के समांतर इसे काट दिया जाए बीच में से, मैंने इस घन को बीच में से काट दिया है, ठीक है, बीच में से काट दिया है, तो अब क्या होगा, ये वाला जो माप था ये 100 था, ये वाला माप भी कितना था, 100 था, तो अब इसको काट दिया गया है तो ये 50-50 हो गए, ठीक है, और ऐसे ही सामने वाले एक आगे वाला और एक पीछे वाला दोनों कितने हो गए, 50 हो गए। अब बचा कौन सा, ये वाला और ये वाला, ये कितने कंप्लीट 100 रहेंगे। इसका मतलब हम लिखेंगे कि जो हमारे पास ये घन है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे,
घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालोगे तो आपके पास पहले जो कंप्लीट भुजा दे रखी है 100 100, ये तो आप निकालोगे, इन सब का एडिशन हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना आपको, 100 प्लस 100 ऊपर वाले नीचे वाले का आ गया। अब बाकी जितनी आपके पास भुजाएं बची है, सामने वाली इधर वाली 2 और ये इधर वाली कितनी होगी, 4 4 भुजाएं कितनी होगी, 50 50, तो इन सब का अलग एडिशन कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है और आंसर हमारा सेमी स्क्वायर में आएगा, क्योंकि भुजाएं जो है वो सेमी स्क्वायर में दे रखी है, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दो, 100 100 कितने होगी, 200, और ये आपके पास 200 है तो इसका मतलब 400 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये 400 सेमी स्क्वायर आपका आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो जाएगा, और ये आपके लिए सरल सा तरीका मैंने बताया कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इस घन को बीच में से काट के बोला गया है, तो ये भुजाएं 100 100 की थी, 50 50 की हो जाएंगी, और इन जो कटी हुई भुजाएं हैं वो अलग से जुड़ जाएंगी, और जो संपूर्ण भुजाएं हैं वो अलग से जुड़ जाएंगे, इनका टोटल करेंगे तो आपके पास कंप्लीट घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बगैर ढक्कन का एक बॉक्स बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, इसकी बाहरी लंबाई 146, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया, भुजाएं सबकी अलग अलग दे रखी है, इसका मतलब ये हुआ कि बक्सा जो है वो घनाभ है। उसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। पेंट की दर 2 रुपये प्रति 1000 सेमी स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस बॉक्स के अंदर आपको पेंट करवाना है। अब मैं आपको ये चीज़ समझा देती हूँ कि ये आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये बिना ढक्कन का बॉक्स है, और इसकी जो मोटाई दे रखी है, ये वाली जो मोटाई है, ये आपके पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो आपको दे रखी है, तो आप लिखोगे बक्से की लंबाई कितनी है, 146 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई 116 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई जो है वो दे रखी है 83 सेमी। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है ये बक्सा, ये आपका जो बक्सा है ये 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, तो आप यहाँ शो कर दोगे ये बात कि 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना बक्सा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का जो आपका बक्सा है ये बना हुआ है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये बॉक्स है हमारा, इसके अंदर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखेंगे, तो सबसे पहले हम बक्से के अंदर की लंबाई लिखोगे, तो आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर ये ऊपर लंबाई जो है वो 3 सेंटीमीटर आगे पीछे की घटेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से 6 घटेगा, तो ये जो लंबाई है इसमें आप 6 घटा दोगे, ठीक है, 6 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 140 सेमी। इसकी चौड़ाई निकालोगे तो आपके पास 116 में से 6 ही घटाएंगे, एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ ये भी, तो ये आपके पास आ जाएगा 110 सेमी 6 निकालने पर, और ऊंचाई निकालोगे तो आप क्या करोगे, 83 है। अब देखिए ऊंचाई में आपके पास क्या नहीं है, ढक्कन नहीं है, तो इसका मतलब 3 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास नहीं है, कट चुका है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कट गया, इसका मतलब 83 में से आप सिर्फ 3 ही निकालोगे, क्योंकि बिना ढक्कन का बॉक्स है ये, ठीक है, इसलिए आप इसकी आप करोगे तो ये 80 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालोगे, ये जो इसकी दीवारें हैं इनका क्षेत्रफल निकालोगे, तो दीवारों का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या आएगा, दीवारें तो इसकी चारों तरफ की है, इनका क्षेत्रफल आप निकालोगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल
चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2 गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूले मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपके बुक में पीछे दे रखे हैं, उन फॉर्मूलों को आप अच्छे से देख लेना। लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करोगे, 2 गुणा ऊंचाई आपके पास जो आपने चेंज की है वो वाली ऊंचाई लिखी जाएंगी, 2 गुणा 80 प्लस लंबाई, सॉरी गुणा ये लंबाई प्लस चौड़ाई है, यानी कि 140 प्लस 110, और ये सारा क्या होगा आपके पास सेमी स्क्वायर में आएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 160 और गुणा में कितना हो जाएगा 140, और ये कितना हो गया 150 और 10 250 सेमी स्क्वायर। और इसका जब 16 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास आंसर आएगा, ये आपके पास किसका, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया है, ठीक है। अब इसके अंदर कलर कराने का खर्चा पूछा गया है, तो हमने पैंदे का क्षेत्रफल नहीं निकाला, पैंदे का क्षेत्रफल आपके पास लंबाई गुना चौड़ाई होगा, क्योंकि हमने सिर्फ चारों दीवार, देखो आप ये 3D में बनाएंगे जैसे इसे, तो आपने कार्टून देखा है अपने घर में, जो दवाइयाँ वगैरह या किसी चीज़ का आप बॉक्स ऐसा ले लो जिसमें आप अनुमान लगा लो कि उसका ढक्कन नहीं है, और उसके संदूक ही ले लो एक तरीके से, संदूक का ढक्कन नहीं हटा दो तो संदूक के चारों तरफ दीवारें होंगी, उन दीवारों की मोटाई 3 सेंटीमीटर है, और उसके बाद हमने सिर्फ चार दीवारों का क्षेत्रफल निकाला जबकि जो संदूक था उसका पैंदा भी तो है नीचे, तो हम पैंदे का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अलग से लिखा जाएगा पैंदे का क्षेत्रफल, ठीक है। आप समझ रही हैं, संदूक जो है वो ये बॉक्स संदूक एक ही बात है, तो हम क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की अलग अलग दे रखी है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यही बताना है। अब पैंदे की चौड़ाई, पैंदे का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पैंदे की लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे तो लंबाई आपके पास कितनी है पैंदे की, 140 नई वाली आएगी क्योंकि अंदर सिर्फ अंदर का हिस्सा चल रहा है लंबाई, और उसके बाद चौड़ाई कितनी है 110, ये सेमी स्क्वायर में आएगा। यूनिट लगानी बिल्कुल नहीं भूलनी आपको, और जब इनको करोगे 14 को 11 से करोगे तो कितना आएगा, 7 स्क्वायर आपके पास आंसर आएगा। अब देखिए ये कैलकुलेशन आपको करके देखनी अलग से, ठीक है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए इस चक्कर में, मैं सॉल्व मतलब करके वैसे नहीं दिखा रही, बाकी आप इसे सॉल्व करोगे, आपको रफ़ काम के लिए मैं बता भी दूं कि जैसे 14 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ मैं आपको इसको करने का मल्टीप्लाई, ठीक है। हम बड़े तरीके से करते हैं, मैं आपको छोटा तरीका बताती हूँ। 4 को इससे गुणा करोगे कितना आएगा 4, इनका अलग से मल्टीप्लाई करोगे, 1 एकम 1 और 4 एकम 4, इन दोनों को आप जोड़ लोगे, इसका तो आप जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई में वो लिख दोगे, और उसके बाद इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई में आप जोड़ लोगे, कितना हो गया ये 5, तो आप ये 5 यहाँ लगा दोगे, ठीक है। इसके बाद इसको इससे करोगे गुणा, 5 आप यहाँ लिख दोगे, फिर 1 को 1 से करोगे तो कितना आया 1, ये आपका आंसर आ गया। अब उसके बाद आपके पास 2 जीरो हैं तो 2 जीरो आप इसके साथ लगा दोगे, इस तरीके से ये कैलकुलेशन हो जाएगी, वो रफ़ काम है उधर, आप रफ़ करोगे ये। उसके बाद कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, कुल क्षेत्रफल निकालेंगे तो जितना क्षेत्रफल आपके पास ये वाला और ये वाला है, दोनों क्षेत्रफल ऐड हो जाएंगे तो कंप्लीट का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसको जब आप जोड़ोगे तो ये सेमी स्क्वायर है, और इसको जब ऐड करोगे 55,400 इसका आ जाएगा। अब आपको क्या बताना है, इसका खर्चा बताना है। पूछा है कि पेंट किया है 2 रुपये प्रति 1000 सेमी स्क्वायर पे इसने कलर किया है, तो हम खर्चे का निकालेंगे, तो रंग करवाने का खर्च लिखो, यही कर देती हूँ मैं, रंग करवाने का वाने का खर्च, ठीक है। रंग करवाने का खर्च करोगे तो जितना क्षेत्रफल है, रंग तो उसी पे ही करना है, जितना क्षेत्रफल है उस पे कलर करेंगे, और कितने खर्चे में 2 रुपये प्रति 1000 सेमी स्क्वायर, यानी 2/1000 सेमी स्क्वायर, ये आपका रफ काम है, थोड़ा सा मिस्टेक मत कर देना करते वक्त। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान होगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। ये इससे काटोगे आपके पास 5 आ जाएगा, ये 1 पे जाएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई भाग दोगे मतलब 55,500, ठीक है। इस तरीके से आप इसे भाग दे सकते हो, या फिर आप ऐसे भी
मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 5 × 5 = 1, फिर 5 × 5, फिर ये भाग जाएगा नहीं, 0 आएगी पॉइंट, और कितना बचा कंप्लीट 4 आएगा नीचे, तो 8 पे और फिर भाग नहीं जाएगा 0। ठीक है, ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा, क्योंकि ये पैसे हैं इसलिए इसके इकाई नहीं लगाई, खर्च है ये पैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो कलर करवाने का खर्चा इतना प्रति 2 रुपये प्रति हिसाब से निकलेगा पेंट कराने का खर्चा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, बाकी करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू।